वो ही खड़े हो जाते, जबरदस्त आवाज थी उसकी। और जब हम सब अक्सर नुक्कड़ों में नुक्कड़ में खड़े होकर वो गाता था, वो गोंगा तुम्ही बोएश फैनो, तो लगता था कि जैसे दूर किसी पहाड़ी में जल तरंग गिर रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कभी जाते नहीं, हमारे दिलों में हमेशा रहते हैं। तो राणा जिंदा है हमारे और आपके दिल में, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज फिर से राणा को उसी जगह में जो उसकी जगह थी वहाँ हम याद कर रहे हैं। राणा ऐसा ही था, बहुत शांत गंभीर, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ, कभी उसने अपनी परवाह नहीं की। और ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो आम लोगों की ज़िंदगी में दखल दें। एक छोटी सी कविता जो मैंने उसके लिए लिखी थी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और इस बहाने हम राणा को याद कर रहे हैं। राणा जो हम यारों का यार था, राणा जिसकी आवाज़ में आम लोगों के दुख थे, राणा जिसे पटना कभी भूल नहीं सकता, आज उस राणा के नाम। हर पल दमकते रहो हमारी आंखों में, राणा की याद। कौन है जो भीतर जलता है, कौन है जो भीतर जलता है, ये किसके स्वर है जो दूर किसी पहाड़ी पर गिरते जल तरंग की तरह बज उठा है। इस गहन अंधकार में कौन है जो जीवन का गीत गाता है। मैं जानती हूँ ये तुम हो, आकाश गंगा की तरह सतरंगों में घुले हमारे भीतर जलता हुआ तुम ही हो, जो गंगा की शांत लहरों को थामे धीमे धीमे गुनगुना रहे हो। ये तुम्हारा ही स्वर है जो चांदनी रात में बर्फानी परतों से पिघल रहा है। ये तुम्हारा ही स्वर है जो अग्नि शिखा की तरह जल उठा है। तुम मेरे दोस्त हर पल दमकते हो हमारी आंखों में। मैं जानती हूँ संघर्ष के हर दौर में तुम्हारे गीत गाएंगे, मैं जानती हूँ संघर्ष के हर दौर में तुम्हारे गीत गाएंगे। तुम्हें साक्षी मानकर एक वादा करती हूँ अपने आप से, डूबती सांसों में भी होगी सुबह की उम्मीद, टूटते बिखरते समय में भी हम थामेंगे एक दूसरे का हाथ और दोहराएंगे कविता की वह पंक्ति कि तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब कहा, बहुत अच्छी कविता लगी। हमारे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जाहिर सी बात है उनको उनकी कमी बहुत याद आएगी। दो शब्द, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कि इस प्रेमचंद शाला कहानीघर अभियान में राणा बनर्जी के साथ हम निवेदिता तन्वी भाई बहुत सारे शकील भाई सारे लोग एक समय आंदोलन करते थे। आज उस राणा बनर्जी को इसी प्रेमचंद रंगशाला में याद किया गया, और मीनाक्षी और रोनी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सुना कि इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा हूँ। हाँ, आज इस जगह पे इतना अच्छा आयोजन किया है, इसलिए इसको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद आप सभी का। और मैं भाई दे रहा हूँ।